दोस्तों जय श्री राम। मैं हूं देवेश। दोस्तों आप सभी ने फिल्में देखी हैं, अच्छे से आप सभी को जानकारी है कि गोल्ड की स्मगलिंग होती है, होती आई है और होती रहेगी। लेकिन हमारी तरह आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश कर रहा है भारत से चांदी की स्मगलिंग। जी हाँ दोस्तों, हर साल करीबन 2000 किलो चांदी स्मगल की जाती है भारत से बांग्लादेश को। भारत गिना जाता है दुनिया के एक बड़े चांदी एक्सपोर्टर के रूप में। ना सिर्फ हम चांदी बल्कि उसके जवाहरात भी एक्सपोर्ट करते हैं। जाहिर है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लेंगे। एक तरफ भारत लगाता है एक्सपोर्ट ड्यूटी तो दूसरी तरफ बांग्लादेश जो भारत से चांदी इंपोर्ट करता है वह भी लगाता है इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन ये जो बांग्लादेशी चांदी के स्मगलर्स हैं वह ना तो भारत को पे करते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी और ना ही बांग्लादेश को अदा करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब ये बांग्लादेशी चांदी के स्मगलर दोनों भारत और बांग्लादेश को चपत लगाते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी दो तरफा कमाई हो रही है, जबकि इस चांदी की स्मगलिंग से दोनों देशों को नुकसान है, उसके बावजूद भी यह धड़ल्ले से चल रही है। इसलिए भारत का दिमाग ठनका और भारत ने बांग्लादेश से कहा कि भाई जरा देखो तो ये क्या चल रहा है, हर साल आप 2000 किलो चांदी स्मगल कर रहे हो भारत से, हमें नुकसान हो रहा है। ठीक बात है, लेकिन जरा आप यह भी तो देखो कि आपको भी नुकसान हो रहा है। चांदी की स्मगलिंग अगर चलती रही तो दोनों देशों को नुकसान होगा, ये छोटी सी बात बांग्लादेश के समझ से परे है। इसलिए भारत ने बांग्लादेश को चुपचाप बुलाया है और ढंग से समझाया है कि भाई इसको रोको, इसको हम नहीं चलने देंगे। भारतीय जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पकड़ती हैं चांदी के कोरियर्स को। पश्चिम बंगाल में आप किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपए दे दो, वो 1000 रुपए लेके 20-25 किलो चांदी जो है भारत से बांग्लादेश में भेज देगा। भारत पकड़ता भी है तो चांदी के कोरियर्स को पकड़ता है। बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में बैठे वो लोग कौन हैं जो चांदी इतनी बड़ी मात्रा में स्मगल कर रहे हैं। वो चांदी के स्मगलर पकड़े जाने चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। दुख की बात यह है कि बांग्लादेश जो कि अपेक्षा करता है कि भारत उसकी हर मौके पर भरपूर मदद करे, उसे पता था कि हर साल 2000 किलो चांदी इम्पोर्ट हो रही है, स्मगल हो रही है बिना ड्यूटीज पे किए, लेकिन उसको रोकने के लिए जमीन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। और दोस्तों ये जो 2000 किलो चांदी की स्मगलिंग की बात है, वह चांदी तो स्मगल हो रही है सिर्फ पश्चिम बंगाल से। भारत और बांग्लादेश का बहुत लंबा नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, आसाम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, सभी राज्यों का बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश से। कहने का मतलब यह है कि इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि हमारे देश से 2000 किलो से कहीं ज्यादा चांदी जो है स्मगल की जा रही है बांग्लादेश को। इसलिए भारत अपनी तरफ से तो कार्यवाही कर ही रहा है, लेकिन अब हमने बांग्लादेश को भी कार्यवाही करने के लिए आग्रह किया है। हालांकि बांग्लादेश भारत की मदद करेगा इस बात की संभावना कम है, लेकिन अगर उनके पास थोड़ी भी सद्बुद्धि है तो कम से कम वह अपना नुकसान बचाने के लिए भारत का सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन दोस्तों सच बात कहें, भारत सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन हमें बांग्लादेश से 1% आशा नहीं है। हम तो मान के ही चल रहे हैं कि भारत ने अगर स्मगलिंग को रोकना है तो सब कुछ हमें ही करना होगा, हमारा नुकसान है, हमें ही नुकसान से बचना होगा। अब दोस्तों जब भी कभी आप निवेश करते हैं तो आप निवेश करते समय हमेशा पूछा कीजिए कि निवेश का अंडरलाइंग असेट क्या है, अंडरलाइंग क्या होता है और इसकी जानकारी क्यों जरूरी है। क्यों ऐसा है कि यदि आप अंडरलाइन के बारे में नहीं पूछेंगे तो निवेश करने के बाद आप पछताएंगे। यह सब जानने के लिए वीडियो की लिंक हमने दे रखी है, ऊपर आपको मिल जाएगी। अंडरलाइन के कॉन्सेप्ट की चर्चा हमने पिछले आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स में की थी, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको अंडरलाइन एसेट के कॉन्सेप्ट का लाभ मिल सके। यह वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।